बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और आज जिस तरह पिछले व्लॉग में चल रहा है, मैं रेगुलर शॉप पे जा रहा हूँ क्योंकि ईद आ गई है या मैक्सिमम कल का दिन रह गया है, परसों ईद होगी, हो सकता है कल ईद हो जाए, अभी कन्फर्म नहीं है। तो अभी मैं फिर उठा हूँ तो अभी मैं जाने लगा हूँ शॉप पे। सुबह के तकरीबन 5:30 हो चुके हैं, अभी मैं जाऊँगा शॉप पे, बाइक मैं निकालने लगा हूँ और इंशाल्लाह साथ साथ आपको व्यू दिखाते हैं और फिर शॉप पे भी जाएंगे, पूरा दिन शॉप पे रहेंगे और व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। तो अभी मुझे जाना है शॉप पे, बाहर मैं निकल आया हूँ और मुझे अभी बाइक निकालनी है और फिर शॉप पे जाना है। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। चलते हैं शॉप पे, निकालते हैं बाइक। तो शॉप पे मैं पहुंच चुका हूं, अभी शॉप मैंने ओपन कर ली, पीछे आपको बैक ग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, शॉप को मैंने ओपन कर लिया है। थोड़ी सी शॉप ओपन करने वाली रहती है, उसको ओपन करेंगे और फिर उसके बाद आपसे करेंगे बात पूरा दिन और व्लॉग करेंगे कंटिन्यू। तो अभी मुझे खोलने थे लॉक्स शॉप के, लॉक्स मैंने खोल लिए हैं, अभी एक दो लॉक हो रहा था वो खोलेंगे और साथ साथ आपको सीन्स दिखाएंगे। And alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. अच्छा तो फ्रेंड्स, शॉप मैंने ओपन कर ली है टोटल, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पीछे मेरे, टोटल शॉप ओपन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शॉप ओपन हो चुकी है और टाइम हो चुका है 6:20 का। हाँ,
हाँ, तो शॉप अभी कंप्लीट ओपन है। तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया शॉप ओपन किए हुए और अभी कस्टमर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो कम ही कस्टमर आते हैं। और वैसे भी अब मेरे ख्याल से कल या परसों ईद है रमज़ान का, मे भी आज लास्ट रोज़ा हो जाए, मे भी एक रोज़ा और हो जाए। अभी आज 29 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि एक रोज़ा और है वो भी कंप्लीट हो जाएगा कल, तो फिर परसों ईद उल फितर होगी। तो अगर ये रोज़ा ना कंप्लीट हुआ, 29 रोज़े रहे, तो फिर कल ईद होगी, फिर आज जिसे चांद रात कहते हैं वो होगी ईद से पहले दिन एक दिन। तो जैसे जैसे ही सीन्स आएंगे आपको साथ साथ दिखाएंगे भी, और जैसे जैसे कस्टमर भी आएंगे थोड़ा बहुत आपको वो भी व्यू करवाने की कोशिश करेंगे। और अभी सिर्फ कस्टमर का वेट है, और उसके अलावा गर्मी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 8 का टाइम हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ती जा रही है और रोज़ा लगना शुरू हो चुका है। तो कोई बात नहीं, जिधर इतने ज़्यादा रोज़े बर्दाश्त किए हैं, ये भी एक दो जो रहता है इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह के फजल से सारे रोज़े रखे इंशाल्लाह, जो रहते हैं ये भी रखेंगे। बाकी सीन्स बढ़िया हैं, कमाल के हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बस यही कुछ है अभी फ़िलहाल। और जैसे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे कोई ना कोई आपको सीन्स दिखाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। अभी के जो सीन्स हैं वो इस तरह के, जब मैं सुबह शॉप पे गया था तो उधर इतना बिजी था कि उसके बाद मैं कोई सीन भी नहीं कंटिन्यू कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बड़ा अच्छा था, और उसके बाद मैं फुल डे बिजी रहा और आके सो गया। अभी मैं दोबारा जाऊंगा शॉप, रात के 2:30 हो गए हुए हैं, और देखते हैं बाहर के क्या सीन्स हैं, साथ साथ व्यू भी करवाते हैं, उधर जाके आपसे डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि कोई आपको खुशखबरी भी सुनानी है। चलते हैं शॉप की तरफ, सीन्स साथ साथ दिखाते हैं। Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and... अभी भी लॉक को कंटिन्यू किया है, शॉप पे आके अपने कज़न के पास गया हुआ था, और उधर जाके प्लेट शवारमा खाया जैसा कि सीन आपने देखे, और उसके बाद अपनी शॉप पे आके तकरीबन 3 से 4 घंटे लगातार मेहनत की, और मेहनत क्या की वो भी आपको सीन्स दिखाते हैं इसके बाद। और फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक, सब मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक, उनकी फैमिलीज़ को, आप सबकी फैमिलीज़ को ईद मुबारक। और आज फर्स्ट डे है ईद का, जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो तब चांसेस थे कल ईद होगी या नहीं होगी, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं शॉप इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि फुल डे बिजी रहा, फिर रात को पता चला कि हाँ ईद हो गई है, तो उसके बाद मैं जाके सो गया रात को 12-1 बजे। फिर मैं 3 बजे रात के उठ के आ गया शॉप पे, और फिर मेहनत की, और वो मेहनत आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह। तो आपने सीन्स देखे हैं शॉप के सीन्स आपने देख लिए हैं, जो रसगुल्ले गुलाब जामुन कितने अच्छे लग रहे हैं, ऊपर जैम लगाई हुई है डेकोरेशन के लिए, और अभी मिल्क शेक पियेंगे और फिर व्लॉग को बाद में करेंगे कंटिन्यू। बड़े हफ्ते हैं जी भाई, इवें मुफ्त लिया दी हाँ, गला खराब कर, 100 उत्ते लवा। और थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा एक शेक पिया जाए, क्योंकि नाश्ता भी हो जाएगा सुबह का, और ठंडा भी है, गर्मी वैसे ही बढ़ी है आजकल। तो आज फर्स्ट डे है ईद का, शॉपिंग भी नहीं की, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े बुरे हैं पूरी कंट्री के, और बड़े ऐसे गरीब हैं, परेशान हैं, कि उनके साथ मिलकर हमें भी उनकी तरह ईद मनानी चाहिए। तो वैसे टाइम नहीं मैनेज हुआ, नहीं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं ज़रूर करता। बंद कर गया।
ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀ तो ट्राई करेंगे एक दो दिन में या कल शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत शूज लेने हैं बाकी ईद मुबारक फर्स्ट डे है ईद का आज और रोज़े ख़त्म हो गए हैं बड़ा मज़ा आता है रोज़े रखने का मैंने दो रोज़े छोड़े हैं बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रखे हैं बाकी भी आपको बाद में करेंगे कंटिन्यू बहुत सी बातें करने वाली हैं अभी फ्रेंड्स टाइम हो चुका है खाने का नाश्ते का पहले शेक पिया था अभी नान और पाए खाए जाएंगे बिल्कुल रेडी है नाश्ता अभी करेंगे नाश्ता फिर जाएंगे घर सीन्स दिखाएंगे बाद में आपको साथ साथ